हाय एवरीवन, दिस इज़ वेरोनिका। आज हम बात करेंगे इलीगल ग्लोबल टाइगर ट्रेड की। देखिए, हाल ही में एक रिपोर्ट आई, उसने ये बताया कि जो ग्लोबल टाइगर ट्रेड है, जो तस्करी है इलीगल स्किन एंड बोन्स की टाइगर के लिए, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और इंडिया कहीं ना कहीं उसमें हाईएस्ट रैंक कर रहा है। देखिए, इंडिया में कंजर्वेशन ऑफ टाइगर को लेके बहुत ज़्यादा प्रोग्राम्स चलाए गए, जैसे प्रोजेक्ट टाइगर का बारे में आपने सुना होगा। और रिसेंट एक रिपोर्ट ने बताया कि टाइगर जो है उनका नंबर काफ़ी इंक्रीज भी हो गया इंडिया में, जो बहुत ही काबिले तारीफ बात थी। लेकिन अब जो ये रिपोर्ट आई है, इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे, इसको एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ आप जुड़ सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक पे, बिकॉज आई फील टुगेदर वी कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस। रेलेवेंस क्या है इस टॉपिक का आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से? मेंस पेपर 3 में ये टॉपिक आपका कवर होता है। उसके बाद ऑब्जेक्टिव लेवल पे अबाउट द रिपोर्ट, ये जो रिपोर्ट है इसकी डिटेल्स आपको पता होनी चाहिए। सब्जेक्टिव लेवल पे हम जो ये जानवरों की तस्करी है, ये जो पोचिंग है, इलीगल ट्रेडिंग है, इसको कैसे रोक सकते हैं, इसके लिए क्या स्टेप्स लिए जाने चाहिए। लेकिन यहाँ पे हम टाइगर को लेके प्रेजेंट रिपोर्ट की बात करेंगे। पीछे जो कुछ रिपोर्ट्स आई हैं जहाँ पे उनके नंबर्स की बात की गई है, उनको भी ब्रीफली डिस्कस करेंगे। अब जो ये नई रिपोर्ट आई है, इसमें यही बताया है, बेसिकली ये 19 ईयर पीरियड यानी 19 साल का आप कह लीजिए एक डेटा है, जो ये क्वांटिफाई करता है कि ग्लोबल ट्रेड जो है टाइगर्स की और टाइगर के पार्ट्स के लिए, वो काफ़ी इंक्रीज़ हुई है। और इसमें टाइम पीरियड क्या लिया गया है, 2000 से लेकर 2018 तक। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि भारत में कितनी बार पकड़ा गया, 463, टाइगर्स कितने हैं, 625। तो आप देख सकते हैं इंडिया इसमें लीड कर रहा है इलीगल ट्रेड में। 19% टाइगर के बोन्स के लिए टाइगर्स को मारा जाता है और उनकी लीगल ट्रेडिंग की जाती है, क्लॉज के लिए, टीथ के लिए, स्किन के लिए। तो आप देख सकते हैं स्किन के लिए और बोन्स के लिए जो नंबर है वो सबसे ज़्यादा है। तो इनफैक्ट कौन कौन सी कंट्रीज इसमें इन्वॉल्व है, इंडिया हो गया, चाइना, इंडोनेशिया, नेपाल, वियतनाम, मलेशिया, थाईलैंड, रशिया, बांग्लादेश। अब ये जो नई रिपोर्ट है, इसको किसने कंपाइल किया है, ट्रैफिक। ये ट्रैफिक बेसिकली एक एनजीओ है जो कंजर्वेशन के लिए काम करता है, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए। किसके साथ कोलैबोरेशन है इसका, पार्टनरशिप है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड के साथ और IUCN। IUCN क्या है आपका, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। अब देखिए क्या फाइंडिंग्स हैं इस पूरे रिपोर्ट का, डेटा क्या है यहाँ पे। देखिए, अब जो लोग इलीगल ट्रेड करते हैं तो वहाँ पे वो पकड़े भी जाते हैं। देखिए यहाँ पे टोटल आपके ओवरऑल कंजर्वेटिव एस्टिमेट्स जो हैं वो ये दिखाते हैं कि तो 2359 टाइगर्स जो हैं वो पकड़े गए हैं 2000 और 2018 के बीच में 32 कंट्रीज़ में। और ये सिर्फ किसी एक रीजन की बात नहीं हो रही है, ग्लोबली टेरिटरीज़ की बात हो रही है। और यहाँ पे बोले कई बार तो लाइव टाइगर्स इलीगल ट्रेड के लिए भी पकड़े गए हैं और कई बार उनके पार्ट्स हो गए, उनके कारकासेस हो गए, उनकी जो बॉडीज़ होती हैं वो मिलती हैं, या कई बार उनकी स्किन कहीं से पकड़ी जाती है, बोन्स या क्लॉज जो उनके पंजे होते हैं। तो इस रिपोर्ट में पूरा एक्सप्लेन किया गया है कि ये जो सीजर्स जो ये पकड़े जाते हैं जब इनके या कोई पार्ट्स पकड़े जाते हैं, वहाँ से किस तरीके से इन्होंने एस्टिमेट लगाया है कि कितने जानवर, कितने टाइगर्स इन्होंने मारे हैं। तो सपोज़ यहाँ पे 1142 सीजर्स इतनी बार इन्होंने लोगों को पकड़ा है, वहाँ से ये नंबर का एस्टिमेट लगाया गया है कि कितने टाइगर्स को इन्होंने मारा है इलीगल ट्रेडिंग के लिए। और ऑन एन एवरेज की बात करें तो ये रिपोर्ट बताती है 60 बार तो पकड़े गए होंगे इस तरह के लोग हर साल। ऑलमोस्ट इतने लोग इलीगल ट्रेड करते हुए पकड़े जाते हैं। और इन 60 सीजर्स से आप ये निकाल सकते हो कि 124 टाइगर्स जो हैं वो हर साल सीज किए जाते हैं। और इनमें जो टॉप 3 कंट्रीज हैं जिनका हाईएस्ट नंबर है इन इंसिडेंट्स में, उनमें इंडिया एक है। और इंडिया का रिपोर्ट दिखाता है 463 सीजर्स हैं टोटल, दैट मीन्स 40.5% इलीगल ट्रेडिंग आपकी इंडिया से होती है। उसके बाद आता है चाइना, 126 सीजर्स, दैट मीन्स 11%। और उसके बाद आता है आपका इंडोनेशिया, जहाँ पे होता है 119, या आप कह सकते हैं 10%।
अब इंडिया की अगर डिटेल में और भी बात की जाए तो जैसे मैंने आपको बताया, लेटेस्ट रिपोर्ट में बताया गया कि टाइगर का पॉपुलेशन इंडिया में इंक्रीज हुआ है. तो जो लेटेस्ट सेंसस है वो टाइगर पॉपुलेशन के बारे में बताता है 2967, और जो ट्रैफिक रिपोर्ट है ये 2016 के डेटा को कोट कर रहा है इंडिया के लिए, जिस टाइम 2226 टाइगर्स मौजूद थे. और यहाँ पे बताते हैं कि इंडिया में अराउंड 56% ग्लोबल वाइल्ड टाइगर पॉपुलेशन है. 56% दुनिया के टाइगर्स कहाँ पे रहते हैं? इंडिया में. सबसे ज़्यादा भी इंडिया में है, और सबसे ज़्यादा जो तस्करी है इनके बॉडी पार्ट्स की वो भी सबसे ज़्यादा इंडिया में होती है, 40%. दैट मीन्स अराउंड कितने टाइगर सीज किए जाते हैं? 625 आज तक सीज किए गए हैं. देखिए, भारत में सबसे ज़्यादा टाइगर स्किन का इल्लीगल ट्रेड होता है, 38%. उसके बाद टाइगर को मारा जाता है उसकी हड्डियों के लिए, बोन्स के लिए 28%, और फिर उसके टीथ के लिए और उसके पंजों के लिए, जिनको हम बोलेंगे क्लॉज, उसके लिए 42%. तो ये सारी फाइंडिंग्स कहाँ से सामने आई है? ये जो रिपोर्ट है ट्रैफिक के द्वारा, इससे पता हमको चलता है. ये देख लीजिए यहाँ पे फिर से स्किन एंड बोन्स अनरिजॉल्व्ड एनालिसिस जो है, बांग्लादेश, इंडिया, ऑल द कंट्रीज, जितनी कंट्रीज इन्वॉल्व हैं इनका, और इंडिया का आप देख सकते हैं सबसे ज़्यादा है. और फिर यहाँ पे इन्होंने ये जो येलो कलर से लिखा है, ये है कि किस कॉमोडिटी, स्किन, होल, पूरे टाइगर्स कहाँ पे इलीगल ट्रेड हो रही है, और किन पार्ट्स के लिए हो रही है, और बाकी जिन पार्ट्स का हम नाम नहीं ले रहे. तो यहाँ पे आप वर्ल्ड वाइल्ड टाइगर पॉपुलेशन देख सकते हैं कितनी है, 3890, और कितने टाइगर सीज किए गए हैं. तो आप देख लीजिए पॉपुलेशन के कंपैरेटिवली कितना ज़्यादा इलीगल ट्रेड बढ़ गया है टाइगर्स की पॉपुलेशन को लेके. तो ऑलमोस्ट 124 टाइगर्स हर साल शिकार हो जाते हैं इलीगल ट्रेड का, और ये एनालिसिस है आपका 2000 से 2018 तक. देखिए, इसके बाद आपके लिए एग्जाम में इम्पोर्टेंट हो जाता है प्रोजेक्ट टाइगर. इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, ये एक टाइगर कंजर्वेशन प्रोग्राम है टाइगर्स की संरक्षण के लिए. इसको लॉन्च किया गया था April 1973 में, इंदिरा गांधी जी जब प्राइम मिनिस्टर थी उनका टेन्योर था. 1970 में इंडिया के पास कितने टाइगर्स बचे थे? सिर्फ 1800. और प्रोजेक्ट टाइगर को लॉन्च किया गया था जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क. आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पे है, कौन सी स्टेट में है, और इस प्रोजेक्ट की देखरेख कौन करता है? नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, NTCA. और इनका क्या एम है यहाँ पे? कि टाइगर्स का जो पॉपुलेशन है उसको मेंटेन करके रखना है, बंगाल टाइगर्स जो हैं वो अपने नेचुरल हैबिटेट्स में रहें, ताकि हम एक्सटिंक्शन से टाइगर को बचा पाएं. इसी प्रोजेक्ट के अंदर गवर्नमेंट ने सेटअप किया है टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स भी. ताकि पोचर्स के साथ जो लोग ये इलीगल तस्करी करते हैं उनको हम पकड़ सकें. और काफ़ी ज़्यादा फंडिंग यहाँ पे विलेजेस को भी की जाती है, ताकि हम ह्यूमन टाइगर कन्फ्लिक्ट को भी रोक सकें, कि किसी भी तरह का एनिमल ह्यूमन कन्फ्लिक्ट हमको ना मिले, क्योंकि उससे ह्यूमन पॉपुलेशन को भी नुकसान होता है और एनिमल पॉपुलेशन को भी नुकसान होता है. देखिए, इसके साथ मैंने आपको कहा था कि मैं आपको लेटेस्ट सेंसस के बारे में भी बताऊंगी, जहाँ पे बोला है कि इसका पॉपुलेशन टाइगर का बहुत इंक्रीज हो गया है. कहीं ना कहीं हमको अब एक कंजर्वेशन मार्वल माना जा रहा है, क्योंकि हमने टाइगर्स का पॉपुलेशन सिग्निफिकेंटली बहुत इंक्रीज कर लिया है. जो एक नेचुरल हेरिटेज है हमारी, नेशनल एनिमल है, उसको एक्सटिंक्ट होने से बचाया है. चाहे हमारा बहुत फास्ट पेस से इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है, लेकिन तो भी हमने जो हमारा नेचुरल हेरिटेज है ये टाइगर, इसका पॉपुलेशन इंक्रीज किया है. अगर इसके बैकग्राउंड की बात करें हम, तो आपको पता होना चाहिए, जैसे मैंने बताया, मेजॉरिटी ऑफ वर्ल्ड टाइगर जो हैं वो भारत में रहते हैं, इसलिए एक ग्लोबल अटेंशन भी यहाँ पे मिलती है. जो NTCA है, NTCA का फुल फॉर्म मैं आपको बता चुकी हूँ, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, उन्होंने एक रिपोर्ट निकाली. रिपोर्ट का नाम था स्टेटस ऑफ टाइगर्स इन इंडिया 2018. यहाँ पे 83% जो टाइगर्स हैं हमारे देश में, जो बिग कैट्स हैं, इनको इंडिविजुअली फोटोग्राफ किया गया कैमरा ट्रैप्स यूज़ करके, और 87% जो इनका नंबर है हमने बहुत करेक्टली बताया, और बाकी हमने एस्टिमेशन मेथड्स यूज़ करके इस्टेब्लिश किया कि टोटल कितने टाइगर्स जो हैं वो इस टाइम इंडिया में हैं.
लेकिन फिर भी यहाँ पे हमको एक डिबेट नज़र आती है इनके नंबर्स को लेके, काफ़ी लोग उनसे सहमत नहीं हैं। अब देखिए एक प्रॉब्लम क्या है टाइगर्स को लेके, पहले तो हमें इनका नंबर्स इंक्रीज करना था, चलो वो किया। दूसरे चैलेंज क्या है, इलीगल ट्रेड का। और तीसरा चैलेंज है ये जो डिबेट चल रही है इनके नंबर्स को लेके, क्योंकि यहाँ पे किस मेथड को यूज़ करके इनका नंबर हम बता रहे हैं उसको चैलेंज किया जा रहा है डिफरेंट साइंटिफिक कम्युनिटीज़ द्वारा। क्योंकि जो जो इंडिपेंडेंट स्टडीज़ हैं वेल प्रोटेक्टेड रिजर्व्स को लेके, वो इंक्रीज़ इतना ज़्यादा नहीं बता रही जितना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोजेक्ट कर रही है। तो डेफिनेटली ये जो कंजर्वेशन अचीवमेंट्स हैं या फेलियर्स हैं, ये सारे साइंटिफिक स्क्रूटनी से गुजरते हैं ताकि उनको एक पार्ट मिल सके साइंटिफिक लिटरेचर में, और एक एफर्ट्स जो हैं उसमें मदद मिले कि हमने फर्दर टाइगर्स को कैसे सेव करना है। कहीं ऐसा ना हो कि डेटा ही हमारे पास गलत हो, ये जितना डेटा है वही गलत है, तो हम कैसे सेव कर पाएंगे। तो अगर हम प्रेजेंट टाइम सिचुएशन की बात करें, जो लेटेस्ट काउंटिंग ऑपरेशन है ये ऑलमोस्ट कितने हिस्से में बटा हुआ था, 381,400 स्क्वायर किलोमीटर में ये पूरा सेंसस जो है किया गया। और कितना ज़्यादा यहाँ पे कैमरास बिछाए गए थे, कैमरा ट्रैप लोकेशंस थी, वो थी 26,838। और ये सब इंटरनेशनल इंटरेस्ट से हो रहा था, क्योंकि बहुत सारी टाइगर रेंज कंट्रीज हैं जो अपने अपने सेंसस भी शुरू कर देती हैं। देखिए इंडियन टाइगर्स की भी कंजर्वेशन की बात की जाए, क्योंकि एक टाइम पे टाइगर्स ऑल ओवर इंडिया में फैले हुए थे, लेकिन आज ये कुछ रीजन्स में रिस्ट्रिक्टेड हैं, क्योंकि आज इंडिया का हर एक लैंडस्केप ऐसा नहीं है कि टाइगर वहाँ पे जाके रह सकते हैं। अब जैसे डाइवर्जेंस इन पॉपुलेशन की बात करें, तो वेस्टर्न घाट्स जो हैं लेस एक्सेसिबल हैं, हम वहाँ जाके प्रॉपरली काउंट नहीं कर सकते, लेकिन वहाँ पे एक स्टडी इंक्रीज दिखाया गया है 2006 की स्टडी में। अब जहाँ पे अबंडेंस में पाए जाने चाहिए ज़्यादा टाइगर्स होने चाहिए, जैसे कि आपका कर्नाटका हो गया और सेंट्रल इंडिया हो गया, वहाँ पे एक ड्रॉप दिखाया गया है। इनफैक्ट छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में भी ड्रॉप देखा गया है टाइगर की पॉपुलेशन में। उसके बाद जो कुछ एरियाज़ हैं आपका, जैसे बक्सा आ गया, दम्पा आ गया, पलमाऊ आ गया, यहाँ पे कोई भी टाइगर नहीं पाया गया, कोई भी ट्रेस नहीं मिला है। तो यहाँ पे ये एक स्टडी का रीज़न बनता है कि एनालाइज किया जाए कि ये जो लैंडस्केप स्केप्स हैं जहाँ पे कभी टाइगर्स पाए जाते थे, आज वहाँ पे कोई भी टाइगर नहीं है, उसका क्या रीज़न है। और ये जो पूरा प्रोग्राम है जिस पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट होगी, इसको ऑलमोस्ट 10 लाख पर फैमिली जो फंडिंग है वो दी जाएगी। तो ये जो 10 लाख पर फैमिली फंडिंग उन फैमिलीज़ को दी जाएगी जो इस क्रिटिकल हैबिटेट से बाहर आके रहना चाहते हैं, क्योंकि हमें कई बार ऐसा लगता है कि यहाँ पे टाइगर्स इसलिए नहीं है क्योंकि ह्यूमन सेटलमेंट्स बहुत ज़्यादा हो गई हैं क्रिटिकल हैबिटेट्स में जहाँ पे कभी टाइगर्स पाए जाते थे। तो ये इंसेंटिव्स उन फैमिली को देने की बात की जा रही है कि आप कहीं और चले जाएं। तो अल्टीमेटली अगर हम इस डिस्कशन को कंक्लूड करना चाहें कि इनका पॉपुलेशन हम कैसे सेव कर सकते हैं, तो ये सब डिपेंड करता है हेल्थ ऑफ सोर्स पॉपुलेशन ऑफ द स्पीशीज, इनकी जो स्पीशीज है टाइगर की उनकी हेल्थ कैसी है, एनिमल और ह्यूमन कन्फ्लिक्ट जो है उसको अवॉइड करना पड़ेगा, और जो हंटिंग एंड पोचिंग है इसको रोकना पड़ेगा, और डेफिनेटली जो प्रे एनिमल्स हैं, जैसे टाइगर किस पे फीड करता है, डियर पे फीड करता है, पिग पे फीड करता है, लेकिन अगर हम डियर और पिग को ह्यूमंस ही मार देंगे तो टाइगर क्या खाएगा। तो डेफिनेटली जो प्रे हंटिंग है टाइगर्स की उसको भी हमको रिड्यूस करना पड़ेगा। और कई साइंटिस्ट जो कि इस डेटा पे बिलीव नहीं करते कि टाइगर का पॉपुलेशन इंक्रीज हुआ है, उनका मानना है कि अगर हमारे पास फॉल्टी नंबर्स आएंगे, सही डेटा नहीं आएगा, तो रियल स्टोरी जो है वो छुपी रहेगी और हम कंजर्व नहीं कर पाएंगे टाइगर्स को, क्योंकि कहीं ना कहीं पॉलिटिकल पॉपुलेशन जो है वो अलग मानी जा रही है रियलिटी से। क्योंकि जो लेटेस्ट रिपोर्ट था उसमें क्या बोला गया था, 2,967 टाइगर्स जो हैं वो पाए गए हैं, और 2014 के सेंसस से ये नंबर बहुत ज़्यादा था, एक तीसरा हिस्सा इंक्रीज हुआ था इस नंबर में। और इंडिया का जो टारगेट था कि हमने डबल करना है टाइगर का पॉपुलेशन 4 साल में, 2022 इसका डेडलाइन था, तो हमने वो टारगेट अचीव कर लिया था पॉलिटिकल फिगर्स में, बट साइंटिफिक कम्युनिटी में जो ये कंसेंसस नहीं बन पा रहा है इस नंबर को लेके, तो डेफिनेटली उस पर भी ध्यान हमको देना चाहिए ताकि हम टाइगर्स को कंजर्व कर पाएँ।
और देखिए इसका एक जो वे फॉरवर्ड है कि साइंटिफिक कम्युनिटी का कॉन्सेंसस नहीं बन पा रहा है, उसमें ये हो सकता है कि हम एक कॉमन मेथड अप्लाई करें कि हर जगह अलग अलग मेथडोलॉजी से एस्टिमेट किया जाता है टाइगर्स का नंबर, तो ये जो रीजन्स हैं जहाँ पे टाइगर पाए जाते हैं यहाँ पे एक कॉमन नंबर अप्लाई किया जाए, कॉमन मेथड को लाया जाए, ताकि ऐसा ना बोला जाए कि पॉलिटिकल गेन्स के लिए या फिगर्स के लिए पॉलिटिकल फिगर्स बताई जा रही हैं और उसमें साइंटिफिक कम्युनिटी का भी कंसेंसस रहेगा। क्योंकि अगर इतना ज़्यादा नंबर इंक्रीज पॉलिटिकल फिगर या जो भी फिगर बताई गई, तो एक रिपोर्ट और आई थी जहाँ पे बोला था कि इंडिया बहुत ज़्यादा टाइगर्स भी हैंडल नहीं कर सकता, क्योंकि अगर नंबर इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा तो इंडिया के पास एक नया चैलेंज आ जाएगा कि हमने किस तरह से मैनेज करना है इतने सारे टाइगर्स को। क्योंकि जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने कहा था कि हमारी करंट कैपेसिटी कितनी है, 2500 से 3000 टाइगर्स जो है इंडिया उनको मैनेज कर सकता है। अगर ये इससे ज़्यादा हो जाएंगे तो मैनेजमेंट में भी प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं साइंस ऑफ मिसमैनेजमेंट देखा था, क्योंकि 25 से 35% जो इंडियन टाइगर्स हैं वो प्रोटेक्टेड रिजर्व से बाहर रहते हैं, और टाइगर कॉरिडोर्स जो कम होते जा रहे हैं, श्रिंक होते जा रहे हैं, उसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा चैलेंजेस सामने आते हैं। ट्रेडिशनल चैलेंजेस पोचिंग और मैन एनिमल कन्फ्लिक्ट के साथ साथ उनके रहने की जगह को लेकर भी कन्फ्लिक्ट पैदा होता है। और जैसे जो रीसेंट अटेम्प्ट्स थे जहाँ पे हमने टाइगर्स को ट्रांसलोकेट करने की कोशिश की अनपॉपुलेटेड रिजर्व्स में, सच एज सट, कोसिया, उड़ीसा में, वहाँ पे भी हमने एक बुरे फिगर्स ही देखे जहाँ पे टाइगर्स सर्वाइव नहीं कर पाए और वो मर गए। तो यहाँ पे हमको रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी इंक्रीज करना चाहिए कि किस तरह का हैबिटेट जो है टाइगर्स की रिलोकेशन के लिए सही रहेगा, क्योंकि बहुत सारे ट्रैक हैं जहाँ पे पोटेंशियल टाइगर हैबिटेट्स हो सकते हैं। जहाँ पे प्रे डेंसिटी ज़्यादा हो वहाँ पे हम टाइगर कॉरिडोर्स डेवलप कर सकते हैं। तो बाकी कमेंट बॉक्स में भी आप बता सकते हैं कि आप इन फिगर्स के बारे में क्या सोचते हैं। आज हमने डिस्कस किया एक लेटेस्ट रिपोर्ट जहाँ पे बताया गया कि इलीगल ट्रेड हो रही है टाइगर्स की, प्रोजेक्ट टाइगर पे हमने बात की। जो बाकी पहली रिपोर्ट्स आई थी जिन्होंने टाइगर का नंबर इंक्रीज होने के लिए बताया था, किस तरह से साइंटिफिक कम्युनिटी में ये सहमति नहीं बन रही है, ये सब हमने डिस्कस किया। तो इन केस एग्ज़ाम में आपको टाइगर रिलेटेड या कंजर्वेशन पे कोई भी क्वेश्चन आता है, ये डेटा आप वहाँ पे इंक्लूड कर सकते हैं। यही था हमारा आज का डिस्कशन, थैंक यू। और देखिए ये है हमारा चैनल स्टडी आईक्यू। अगर आप यूपीएससी या किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे पेन ड्राइव एंड टैबलेट कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। यूपीएससी सीएससी 2020 की तैयारी कर रहे हैं तो पेन ड्राइव कोर्स अवेलेबल है जहां पे 100% कवरेज आपको यूपीएससी वास्ट सिलेबस का मिलेगा। डेली करंट अफेयर्स अपडेट्स मिलेंगे, सेल्फ पेस्ड लर्निंग है। ये जो कोर्स है ये टॉप फैकल्टीज द्वारा प्रिपेयर किया गया है और अब ये कोर्स आप प्रति महीना 625 रुपये लेके भी खरीद सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हमारी साइट विजिट कर सकते हैं, साइट पे नंबर्स दिए गए हुए हैं उन पे कॉल कर सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं। मेरे साथ आप जुड़ सकते हैं इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पे वीडियो अपडेट्स के लिए, बिकॉज आई फील टुगेदर वी कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस। थैंक यू। कोई क्वेरी हो तो मेल भी कर सकते हैं। थैंक यू। हाय एवरीवन, दिस